हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है और आज मैं ये वीडियो जो है टोटली अपने पूरे दिन के बारे में बताने वाली हूँ आप सबको। और इवन के मैं चाहती थी कि जो है ये जो फूड ब्लॉगिंग होती है और खाने के बारे में बताते हैं लोग, वो बहुत से खाने जो हैं हमें क्या हुआ बहुत से खाने जो हैं वो हमें पता नहीं होते बहुत जगहों का कि इसका इस जगह का खाना कैसा है, और कुछ चीज़ों का पता नहीं होता। मैं कोशिश मैं पूरी करूँगी कि जो है मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यूज़ दूँ डिफरेंट जगहों पे जाके उनके खानों के टेस्ट के बारे में, और जो चीज़ें मैं बाय करती हूँ उनके बारे में मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू देने की कोशिश करूँगी। तो क्या नाचो मैं? कुकू। अच्छा, ये मेरा बेटा है ज़ियान, ही इज़ 6 months old। और हेलो कर दो सबको। हेलो हेलो यूट्यूब फैमिली, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो कर दो, हेलो हेलो हेलो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का दिन। आज हम मैं मेरे हस्बैंड जो है वो क्योंकि वैलेंटाइंस डे आने वाला है, और उन्होंने इट्स नॉट स्पेसिफिकली फॉर वैलेंटाइंस डे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं आपको जो है आज लंच पे लेके जाना चाह रहा हूँ आप दोनों को, तो उन्होंने हमारे लिए लंच अरेंज किया है। और लेट्स सी कि हमारा दिन कैसा गुजरता है। आई होप कि आप लोग जो है मेरे साथ रहेंगे और बस मेरे साथ रहेंगे। वाह दीदी। नहीं नहीं दीदी, वाह दीदी, दीदी दीदी ज़ियान को बहुत मजा आता है बाबा बोलने में। मामा नहीं बोलते आपको? मामा अच्छी लगती है? मामा अच्छी लगती है? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अच्छा, जो ड्रेस मैंने आज ज़ियान को पहनाने का सोचा है वो है ये ब्लैक कलर का ड्रेस है, और ये बहुत ही अच्छा ड्रेस है। मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज़ ये सर्दियों का मटेरियल है और ये बहुत प्यारा लगता है मुझे। लिटरली नोआ इसमें बहुत प्यारा लगता है। और इसके ट्राउज़र्स तो मैंने ऑलरेडी निकाले हुए थे। ये हमने आउटफिटर से बाय किया था, और उसके साथ मैं इज़ियान को ये शूज़ पहनाने का सोच रही हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये शूज़ इज़ियान को छोटे हैं। ये इज़ियान की पप्पू ने उन्हें गिफ्ट दिए हैं, और ये बच्चा पार्टी से उन्होंने बाय किए हैं, और जो है ये 799 rupees के हैं, जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। और मुझे लगता है कि आपको बच्चा पार्टी जाना चाहिए, वहाँ चीज़ें बहुत अच्छी हैं बच्चों की। तो मैंने ये ड्रेस पहनाने का सोचा है इज़ियान को। अच्छा, ये शूज़ जो है ना, अगर इज़ियान को पूरे नहीं आए तो हमें बच्चा पार्टी जाना पड़ेगा ये शूज़ एक्सचेंज कराने के लिए, क्योंकि हम उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज़ और हम इसका क्या करेंगे, मतलब क्या इसका कर सकते हैं अब हम। समझ रहे हो आप? तो अगर उसको पूरे नहीं आए तो ऑब्वियसली हमें एक्सचेंज कराने पड़ेंगे। अनफॉर्चुनेटली उनकी पप्पू को हम बता देंगे कि हमने ये शूज़ एक्सचेंज कराए हैं। दैट्स ओनली व्हाट वी कैन डू। अब देखते हैं जान कैसे लगते हैं ये कपड़ों को पहन के। ओके, तो ज़ियान हो गए हैं रेडी, और अब हम वहाँ जाके आपको बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। So we are at Coconut Grove, and look at Ziyan. Ziyan Noah, baby Noah. The ambience of Coconut Grove is really good, and अभी तक हमने food try नहीं किया. I've been here with my friends, और the food was really good. Steaks बहुत अच्छे थे यहाँ के, तो हम अब कुछ न्यू ट्राई करेंगे। लेट्स सी। नोआ और उसके अब्बा जो हैं बिज़ी हैं इस वक्त, पता नहीं वेटर्स की क्या मीटिंग चल रही है, आई डोंट नो, पर द वेदर इज़ रियल गुड। बहुत मज़े का वेदर हो रहा है इस वक्त। व्हाट इज़ दिस?
आज अगर इस टीम का हर एक डांसर अपनी जिंदगी का बेस्ट डांस करेगा ना, तो आई शपथ, ये 7 मिनट तुमसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं, गॉड्स भी नहीं। तो अब हम नोआ और उसके बाबा की फोटोज बना रहे हैं और मीटिंग अभी तक खत्म नहीं हुई है, मीटिंग चल रही है। नोआ। अच्छा, तो हमें अंदर बैठना था लेकिन उसके लिए वो कह रहे थे कि आपको वेट करना पड़ेगा 6 बजे तक का, तो हमने सोचा कि हम तब तक थिएटर चले जाएं जो कि बिल्कुल कोकोनट ग्रूव के ऑपोजिट साइड पे है। तो लेट्स गो। अच्छा, वी आर डिसाइडिंग कि हम क्या मंगवाएं। इज़ियान, व्हाट आर यू लुकिंग एट? इज़ होल्डिंग इट सो टाइट दैट वो पीछे की तरफ नहीं आ रहा। ये थिएटर का मेन्यू कार्ड है? मेन्यू कार्ड तो नहीं है, वैसे तो पेपर ही है। तुम कैसे, मीठा क्या है इनके पास मीठे में? मीठे में मुझे लग रहा है कि इनके पास कहाँ है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा यार? स्टार्टर है, स्टार्टर्स है, स्वीट्स कहाँ है? आपको दिख गया मुझे? अच्छा, ये रहा। ओ, हम निजान का पेसिफायर जो है वो कोकोनट ग्रूव में ही भूला आए हैं, तो मेरे हस्बैंड लेने के लिए गए हैं और लेट्स सी उनको मिलता है कि नहीं, क्योंकि मुझे अब टेंशन हो रही है, इज़ियान पेसिफायर के बगैर चुप नहीं होता। तो इज़ियान बेबी, ओ मम्मा, हेलो बोल दो चुप को, हेलो बोल। ही फाउंड इट, इनको जो है इसकी पैसिफायर मिल गई। थैंक गॉड, पैसिफायर ही। व्हाई डिड यू डू दैट? अच्छा, हमने हॉट चॉकलेट, ब्राउनी और बटर क्रोसॉन मंगवाया है। दिस इज really good guys, I am in love with this. ये बहुत मज़े की है और हॉट चॉकलेट अभी तक हमने ट्राई नहीं की, मैं ट्राई करके तो आपको बताती हूँ कि कैसी है। आई एम श्योर अच्छा ही होगा, शक्ल से अच्छा लग रहा है। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं कि कोकोनट ग्रूव के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो है थिएटर है द लाइव बेकरी। इफ़ यू आर अ ब्रेकफास्ट पर्सन तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए, बिकॉज यहाँ का ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है, क्वासॉन्स भी अच्छे हैं, वॉफल्स भी अच्छे हैं, हर चीज़ अच्छी है। मैं यहाँ पे पहले अपनी मामा के साथ आई हुई हूँ और अब मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ, तो यहाँ का इफ़ यू आर अ ब्रेकफास्ट पर्सन तो यहाँ नाश्ता करने आए, इट्स रियली गुड। चलें जी, अब हम वापस आ गए हैं कोकोनट ग्रूव में और देखते हैं कि अब अंदर हमें जगह मिलती है कि नहीं। वैसे तो बहुत रश लग चुका है लेकिन हम स्टाफ से बात करते हैं और अंदर का कुछ अरेंज करते हैं। बाहर इज़ियान के साथ इस वजह से नहीं बैठना चाह रहे बिकॉज हमें मस्कीटोज़ वगैरह का डर है। तो लेट्स सी, और मैं आपको बताती हूँ
कि हमें प्लेस मिल गई है नहीं। आई थिंक यू शुड सेट ओवर हियर। या आई गो देयर है ना। इस जान को लिटाने का या ऐसे बिठाने का? इस जान को लिटा देते हैं वहाँ। अच्छा तो इसका मेन्यू हम देख लेते हैं। मेन्यू कार्ड जो है इसमें हमने सैलड्स हैं और एपिटाइजर्स हैं, अराउंड द वर्ल्ड सी फूड, पास्ता। हमने जो है वो फेटुचिनी मंगवाया है। फेटुचिनी दो इज रिटन स्पाइसी हो गई है, तो मुझे पता नहीं है कि कैसा होगा, बिकॉज मैंने यहाँ का पास्ता ट्राई नहीं किया था। मैंने यहाँ के स्टेक ट्राई किए थे। स्टेक यहाँ के मोरक्कन स्टेक इज़ वेरी गुड। तो अगली बार जब भी आप यहाँ पे विज़िट करें तो आपको ये चिकन मोरक्का ट्राई करने चाहिए। बाकी मैं आपको पास्ता खा के बताऊँगी। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको अल्फ्रेडो पास्ता अच्छा खाना है तो आप जैंडर्स एंड डेल फ्रायो का पास्ता बहुत अच्छा है। हमने अभी फेटुचिनी मंगवाया है और बर्गर में हमने स्मोकी चीज़ बर्गर मंगवाया है। हाँ उन्होंने रिकमेंड भी हमें यही किया था कि जो आप स्मोकी चीज़ सबसे अच्छा बर्गर कौन सा, तो दे सकते हैं मस्ट ट्राई स्मोकी। सो हमारा खाना आ चुका है और ठीक है। ज़ियान भी उठ गए हैं, है ना ज़ियान? ज़ियान, बेबी। अच्छा ज़ियान लुक भैया, ज़ियान, ज़ियान, ओ मम बेबी, ममाज बेबी। ओके, आई थिंक फेटुचिनी आल्सो लुक्स गुड। बर्गर इज़ वेरी गुड। Seems good. Let's try. हाँ अच्छा, it looks good. Can you order something for him? Because I think like he what? is. Can we order soup for him? Is Ziyad? Will you have soup? You want to have soup? Ah, my baby. ये सो के उठा तो ये जो है fresh हो गया। आलू दे सकते हैं? पोटैटो राइस मुझे लगता है ज़ियान को पसंद नहीं आया। आर यू एक्साइटेड? दिस इज योर्स। ज़ियान के लिए उसके बाबा ने जो है वो सूप मंगवाया है और दिस इज योर्स। ज़ियान इज सो एक्साइटेड अबाउट हैविंग सूप। लेकिन टू 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 लेट्स सी, हम उसको ज़्यादा तो नहीं देंगे, हम सिर्फ 1 या 2 स्पून देंगे, लेकिन लेट्स सी ज़ियान को उसका टेस्ट कैसा लगता है। बिकॉज ज़ियान जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिलक्टेंस शो करते हैं टुवर्ड्स नमकीन फूड, उनको मीठा बहुत अच्छा लगता है। लेमनेड का रिव्यू तो मेरे हस्बैंड दे देंगे। आपको कैसा लगा? इट्स गुड राइट? इट्स वेरी गुड यस। और सूप, सूप ठीक है। सूप मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छा है या अच्छा है, बिकॉज़ मुझे सूप बहुत ही सॉल्टी लगा। अच्छा तो मैं आपको क्विक फूड रिव्यू दे दूँ। कोकोनट ग्रूव का लेमनेड जो है इट्स रियली गुड। आपको ज़रूर इधर का लेमनेड ट्राई करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही आउट क्लास है, लाइक लिटरली आउट क्लास है। सूप अच्छा नहीं है, सूप यहाँ से आके पीने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी है और
पता नहीं, देयर इज समथिंग अबाउट द सूप. तो चिकन कॉर्न सूप था बाय द वे. तो और पास्ता इनका बहुत अच्छा है. अल्फ्रेडो पास्ता हमने मंगाया था पैकेजिंग, इट्स वेरी गुड. एंड द बर्गर, स्मोकी बर्गर इज ऑल्सो वेरी गुड. सो आई थिंक इट्स अ यस, कोकोनट ग्रुप इज गुड. निकालने की बारी, तो पैसे तो निकालने ही पड़ते हैं ना, और स्पेशली जब हस्बैंड की ट्रीट हो, है ना, है ना? क्या बोला तूने? और अब इज़ियान बुरी तरह चिढ़ चुका है क्योंकि उसने इतनी देर तक इंतजार किया. चले घर जा रहे हैं, घर जा रहे हैं. बिल भी दिखा देती हूँ आपको. ये हमारा बिल. जनता माफ नहीं करेगी. ओके जी, तो हम फाइनली जो है वहां से वापस आ गए हैं. और इज़ियान साहब जो है मुझे तंग कर रहे थे, तो मैंने इनके कपड़े चेंज कराए हैं. और ये अभी भी कैमरा को पकड़ने की कोशिश हो रही है इज़ियान की. लेकिन इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. आई होप यू लाइक द व्लॉग. मुझे अच्छा लगा आप लोगों के साथ अपनी जो है वो बाहर हम गए और वो शेयर करने का. मैंने आपको अपने हस्बैंड ने मुझे मेरे हस्बैंड ने जो है गिफ्ट किया वो भी मैं आपको दिखाती हूँ. अच्छा, तो ये परफ्यूम मैं अनबॉक्स करके दिखाती हूँ आपको. दिस इज़ डिफेंडर और ये परफ्यूम बहुत अच्छा है. इसकी जो फ्रेगरेंस है वो लॉन्ग लास्टिंग है, अच्छी है. फाइवर टू का मुकाबला तो नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास पहले फाइवर टू परफ्यूम था और वो फ्रेगरेंस उसकी मेरी बेस्ट फ्रेगरेंस में से एक है. तो ये मैंने अभी अनबॉक्स किया है और ये मुझे बहुत अच्छा लगा. लेकिन ये फाइवर टू का मुकाबला अभी भी नहीं कर सकता. खैर, मैं बहुत टाइम से अपने हस्बैंड को बोल रही थी क्योंकि मेरा फाइवर टू बिल्कुल ख़त्म हो गया है और होने वाला है और मुझे ये चाहिए. इज़ियान से हेलो, से हेलो टू दादू. ये इज़ियान की परदादू हैं, इन्होंने कॉल की है जो है. ये इस्लामाबाद में रहती हैं, इन्होंने कॉल की है. और ये इज़ियान साहब तो अपने उसमें लगे हुए हैं. इज़ियान से हेलो, हेलो बोलो दादू को. अच्छा, मैं इज़ियान को अब सुलाने वाली हूँ. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल. मेरा फर्स्ट व्लॉग था, अगर कोई गलती हुई है तो प्लीज़ आई एम रियली सॉरी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग. ओके बाय, खुदा हाफिज़.